everyone. Welcome to Braino Solution. Today we'll do question number 1 from exercise 1D. Question is, you have to evaluate the following. यहाँ पे हमको इन्हें evaluate करना है, ठीक है? So starting with the first one. यहाँ पर A part है -40 divided by 5, ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे? Sign को तो अभी हम भूल जाएंगे, ठीक है? अभी हम simple 40 को 5 से divide करते हैं. तो बताइए अगर 5 की टेबल में 40 कब आता है? 5 8 40 आता है ना, ठीक है? तो ये हो गया 5 8 40, ये माइनस का है तो यहाँ पर ये माइनस का साइन लग जाएगा. क्लियर है? ठीक है, चलो अब करते हैं हम बी पार्ट. हियर वी हैव -350 डिवाइडेड बाय 3 + 6, ठीक है ना? ऐसी तो है ये. अब देखो 3 + 6 क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 9, ठीक है? अभी माइनस का साइन हम भूल जाएंगे. 440 को 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है? 9 की टेबल में 45 कब आता है? 9 5 45, है ना? और फिर ये 0 है, ये 0 आ जाएगा. क्लियर? तो आंसर आ जाएगा 50. और ये जो नेगेटिव है, हम उस नेगेटिव को यहाँ पे लिख देंगे. क्लियर है? नेगेटिव साइन तो आएगा ना, उसको लिख दिया. सो द आंसर विल बी -50, ठीक है? चलो नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर सी पार्ट. हियर वी हैव -36 डिवाइडेड बाय 12 + 0, ऐसी तो है. अब 12 + 0 कितना हो जाएगा? 12 बन जाएगा, ठीक है? अब ये बताओ 12 की टेबल में 36 कब आता है? 12 3 = 36 होता है ना, 12 3 = 36, 12 1 = 12, 12 2 = 24, 12 3 = 36. तो हम लिख देंगे 3, ये नेगेटिव भी तो आएगा, इस नेगेटिव को लिख देंगे, ठीक है? सो द आंसर विल बी -3, ठीक है? चलो नाउ लेट्स डू द डी पार्ट. Here we have -50 divided by 50. 50 की टेबल में 50 कब आता है? 1 times आता है, 1 लिख देंगे. ये नेगेटिव कहाँ जाएगा? ये भी आ जाएगा, तो -1 हो जाएगा, ठीक है? इजी लग रहा है ना डिवीजन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है. चलो अब करते हैं हम ई पार्ट. हियर वी हैव 420 डिवाइडेड बाय, क्या है यहाँ पे ब्रैकेट में? 10 + -8, ठीक है? इजी इजी ओके करते हैं आराम आराम से. प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो हम इसको माइनस कर दें, ठीक है? क्या कितना हो जाएगा? 420 डिवाइडेड बाय 10 - 8 कितना हो जाएगा? 2, ठीक है? अब 2 की टेबल में 420 कब आता है? 2 2 = 4, 2 1 = 2 और 0, ऐसा डिवीजन आता है ना. कैसे करते हैं हम? देखो 2 की टेबल में 2 2 = 4, फिर 2 कब आता है? 2 1 = 2 और फिर 0 लग जाएगा, तो आंसर विल बी 210, ठीक है? लेट्स डू द एफ पार्ट. हियर वी हैव -46 डिवाइडेड बाय वी हैव -40 + -6, ठीक है? ऐसी तो है. चलो ये हो गया -46 डिवाइडेड बाय, दिस इज -40, प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है, ये 6 हो जाएगा, ठीक है? प्लस से जब माइनस मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है ना ब्रैकेट, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक? अब बताओ यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस में क्या करते हैं? प्लस करते हैं ना. 40 + 6 कितना हो जाएगा? 46, और साइन किसका आएगा? जो नंबर बड़ा है, 40 बड़ा है ना, 40 के साथ नेगेटिव साइन है, तो हम 40 का वाला नेगेटिव इधर लगा देंगे, ठीक है? तो अब देखो 46 से 46 गया 1 टाइम्स, ठीक है? और माइनस नीचे था, माइनस ऊपर था, वो दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर कितना बचा? 1 बचा. क्लियर है? नेगेटिव साइन ऐसे कैंसिल हो जाता है. नाउ लेट्स डू द जी पार्ट. हियर वी हैव -48 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है? टोटल डिवाइडेड बाय 2, ऐसी तो है, ठीक है? अब ऊपर का करके देखते हैं सॉल्व अलग पहले हम. अब ये बताओ कि -48 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, डिवाइड टोटल डिवाइडेड बाय 2, ऐसी तो है. इस चीज को मैंने ऐसे लिख लिया और नीचे तो है ये, तो ये बताओ ये कैसे हो जाएगा? 12 की टेबल में 48 कब आता है? 12 4 = 48 आता है ना, 12 4 = 48, और नेगेटिव साइन तो आएगा साथ में, तो दिस विल बी -4. ये 2 था, वो ऐसे लिख लेते हैं हम एज इट इज. क्लियर है? अब 2 की टेबल में 4 कब आता है? 2 2 = 4, ठीक है? अब ये माइनस भी तो आएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक? सिंपल. चलो नाउ लेट्स डू द एच पार्ट. अब हम इसका एच पार्ट करते हैं.
Here we have minus 16 plus 12. ये ऊपर है divided by minus 4 plus 2. ठीक है? अब देखो plus है, minus है, plus है. Minus plus क्या होता है? Minus होता है. ठीक है? तो 16 minus 12 कितना हो जाएगा? 4. लेकिन sign किसका आएगा? जो number बड़ा है. 16 बड़ा है तो उसका minus आ जाएगा. ठीक? चलो अब नीचे देखते हैं. प्लस माइनस क्या होता है? माइनस प्लस में माइनस करते हैं. 4 माइनस 2 2 होता है. ठीक? लेकिन साइन 4 का आएगा क्योंकि 4 बड़ा है तो हम नेगेटिव लगा देते हैं. क्लियर है? ठीक है. फिर अब हम क्या करेंगे? दिस इज योर एच पार्ट, राइट? एच पार्ट में देखो माइनस माइनस दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है? और 2 2s ऑफ 4 आंसर आ जाएगा हमारा 2. क्लियर है? ठीक. चलो नाउ लेट्स डू द आई पार्ट. 25 डिवाइडेड बाय 5 टोटल डिवाइडेड बाय 5 बाय 5 ऐसी तो है. अब देखो 25 की टेबल में 25 कब आता है? 5 5s are 25. ठीक है? और 5 की टेबल में कब आता है? 5 5 1s are 5. ऐसे लिख सकते हैं ना. सो द आंसर विल बी 5. सिंपल है ना. चलो नाउ लेट्स डू द आई पार्ट. आई पार्ट में क्या है? 46 इंटू 5 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 4. देखो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 आता है. ठीक है? और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा. ठीक है? क्लियर है? लेकिन अगर ये ऐसे होता, ये 0 ऊपर की जगह नीचे होता तो आपका आंसर क्या आता? दिस आंसर इज नॉट डिफाइंड. फिर क्या लिखते हैं हम? आंसर इज नॉट डिफाइंड. ठीक है? क्योंकि जीरो डिनोमिनेटर में अगर होता है तो उसका कोई आंसर ही नहीं आता है. क्लियर है? ठीक है. लेकिन अगर न्यूमरेटर में है तो ऊपर वाली चीज जीरो हो गई. मैंने जीरो को चार पार्ट्स में डिवाइड करा तो क्या हुआ? जीरो ही हो गया ना. ठीक है? क्लियर है? चलो बल्कि जीरो चार पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ. ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज के चार हिस्से करे हमने, उसमें एक पार्ट निकाला. ठीक है? इसका मतलब क्या है? किसी भी चीज के फोर पार्ट्स करे हमने और जीरो पार्ट निकाला. इसका मतलब ये तो है, चार हिस्से करे और फोर निकाला, जीरो निकाला, तो आंसर जीरो ही तो आएगा. ठीक है? चलो नाउ लेट्स डू द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ इन योर सेकेंड क्वेश्चन वी हैव टू वेरीफाई that a divided by b is not equal to b divided by a. इसको हमें verify करना है. देखो ये हमें पता है कि a plus b is equal to b plus a. होता है ना, ये commutative property होती है. ये भी पता है हमें, a into b is equal to b into a. ठीक है? जैसे 3 into 4 is equal to 4 into 3. दोनों का answer 12 आएगा ना. लेकिन देखो division की case में ऐसा नहीं होता है. ठीक है? चलो देखते हैं ऐसा क्यों नहीं होता, इसको verify करते. सपोज इन योर फर्स्ट केस ए अपॉन बी करते हैं. ठीक है? और यहाँ करते हैं हम बी बाय ए. यहाँ पे ए कितना है? ए इज माइनस 15 और बी है 3. ठीक है? अब देखो बी अपॉन ए करते हैं, बी कितना है? 3 और ए कितना है? माइनस 15. ठीक? अब देखो 3 की टेबल में 15 कब आता है? 3 5s are 15 आता है. ठीक है? तो यहाँ पे आंसर आ गया माइनस 5 लेफ्ट हैंड साइड की तरफ. राइट की तरफ चलते हैं, 3 5s are 15. ठीक है? यहाँ पे कितना आंसर आ गया? माइनस 1 बाय 5. क्या आर दीज टू नंबर्स सेम? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है. ठीक है? दैट मीन्स दीज टू नंबर्स आर नॉट सेम. इसका मतलब यहाँ पे हमने ये वेरीफाई कर लिया. ठीक है? क्लियर है? चलो अब चलते हैं हम बी पार्ट पे. बी पार्ट में वी हैव ए अपॉन बी वेरीफाई करना है, दिस इज नॉट इक्वल टू b upon a. ठीक है? अब देखो a कितना है? 36. b कितना है? 6. राइट हैंड साइड पे ऊपर b लिखेंगे, नीचे a लिखेंगे. 6 6 are 36. इससे ज्यादा तो डिवाइड नहीं होगा. ये बताओ क्या 6 1 by 6 के इक्वल होता है? नो, दीज टू नंबर्स आर टोटली डिफरेंट. इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं होते. क्लियर है? सी पार्ट यू विल डू इट ऑन योर ओन, खुद से करोगे. ठीक है? डी पार्ट में कराती हूँ. चलो सी इज योर होमवर्क.
ए बाय बी इज नॉट इक्वल टू बी बाय ए, ये वेरीफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे ए कितना है -72, बी इज -6, बी कितना है -6, ए है -72। 6 की टेबल पढ़ते हैं, 6 ones are 6, 6 twos are 12, ठीक है, 6 ones are 6, 6 twos are 12। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे कितना आया 12, यहाँ पे कितना आया 1/12। आर दीज टू नंबर्स सेम, क्या ये सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया हमसे, ठीक। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू।